दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल ऑनर्स क्रिएशन में। आज मैं बात करूंगा SDMS में जो EKYC हो रहा है, जो इंडियन ऑयल फॉर बिजनेस मोबाइल ऐप्स है, उस ऐप्स की सहायता से हम कैसे EKYC करें, इसी के बारे में आज का वीडियो है। दोस्तों जिन्होंने अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों EKYC करने के लिए आप लोगों को पहले आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, RD सर्विस है, उस डिवाइस का RD सर्विस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा। मैंने मंत्रा का RD सर्विस लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे मंत्रा RD सर्विस लिख के सर्च किया हूँ। उसके बाद जो मंत्रा RD सर्विस का ऐप्स है, इस ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों ओपन करना है। जिन्होंने मॉर्फो का RD सर्विस यूज़ करता है, उन लोगों को मॉर्फो RD सर्विस लिख के सर्च कर लेना है। उसके बाद ये जो पहला वाला जो ऐप्स है, देखिए मॉर्फो SCL RD सर्विस, ये ऐप्स को आपके डिवाइस में मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। अगर आपने ये दोनों ऐप्स डाउनलोड नहीं करोगे तो RD सर्विस काम नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने मंत्रा RD सर्विस का जो ऐप्स डाउनलोड किया था, उस ऐप्स को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों डिवाइस को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चा टेस्ट जो ऑप्शन है, कैप्चा टेस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों पॉपअप कुछ आ रहा था डिवाइस रेडी बोल के, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा टेस्ट पे क्लिक करना है। करने के बाद बायोमेट्रिक डिवाइस में आपका अंगूठा डालना है। देखिए दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आ गया है, जैसे ही मैंने अंगूठा छाप दे दिया, कैप्चर सक्सेस, क्वालिटी 77%। दोस्तों ये हो गया RD सर्विस को इंस्टॉल करने का काम। उसके बाद आपको इंडियन ऑयल फॉर बिजनेस जो ऐप्स है, ऐप्स में आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे EKYC बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चाहे आधार नंबर से हो, चाहे LPG ID से, चाहे मोबाइल नंबर से, आप EKYC कर पाओगे। तो दोस्तों मैं मेरा खुद का LPG ID यहाँ पे डाल रहा हूँ, देखते हैं। सर्च बटन पर क्लिक किया मैंने, नीचे जो सर्च बटन है, उसके बाद देखिए दोस्तों मेरा जो नाम आ गया है, और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस भी आ गया है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट बटन है इसको क्लिक करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए आई हैव टेकन द कॉन्सेंट फ्रॉम कस्टमर टू ऑब्टेन, इसको क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों नीचे देखिए फिंगरप्रिंट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे अंगूठा छाप देने के लिए बोलेगा। मैंने अंगूठा फ्रेश कर दी है, कुछ वक्त घूमेगा। घूमने के बाद दोस्तों देखिए, कुछ वक्त घूमने के बाद दोस्तों ये आ गया है, मेरा फोटो भी आ गया है, पूरा का पूरा डिटेल्स आ गया है। उसके बाद दोस्तों सीधा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे चाहे आप एड्रेस को अपडेट करना चाहोगे तो अपडेट एड्रेस पे क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने सबमिट बटन पर क्लिक करोगे दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका EKYC कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आप EKYC और EKYC दोनों ही कर पाओगे। दोस्तों मैंने पहले एक बार EKYC अपडेट ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए सबमिट बटन पर क्लिक नहीं। देखिए दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पे KYC कंफर्म हो गया है, ऐसा एक पॉपअप आ गया है। दोस्तों ऐसे ही आप लोगों ने EKYC कंप्लीट कर पाओगे जो ऐप्स है, इंडियन ऑयल फॉर बिजनेस, इस ऐप्स के सहायता से। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।
और पास में जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरा जो वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू दोस्तों।